एक्सीडेंट होने वाला है इनका। ओहो भाई क्या टक्कर हुई यार, मजा। मैं जी को भैया ने रोक दिया था, कहा कि तुम ज्यादा शैतानी कर रहे हो तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो ये कुछ तूफानी करने वाले हैं, देखो सब्जी डाल रहे हैं इस पे। मुझे लग रहा है यार आग तो लगाएंगे इस पे। गाइस हम लोग अभी नैनीताल में हैं। गुड मॉर्निंग हमारी हुई है नैनीताल पे, तो यहीं पे ताल के पास आ गए। और ये देखो मैं अपने पति का फोटो शूट कर रही हूँ। ये बात जो दिखाते हैं इंस्टाग्राम में सब झूठ है कि भैया वैकेशन में जाके पति बीवी की फोटो खींचता रहता है। मैं यहाँ पर इनकी फोटो ही खींचती रहती हूँ। आप लोग जो इनको जानते होंगे वो देखते ही होंगे व्हाट्सअप में इंस्टाग्राम में, मतलब पहुँचने से पहले फोटो अपलोड हो जाती है इनकी। ये ना मेरी दो फोटो खींचते हैं उसके बाद 50 अपने खिंचवाते हैं। तो कैसा लग रहा है जी नैनीताल में? आजकल का पुरुष बदल रहा है। मेरा पुरुष बदल रहा है। यार ये तो वो बन गया जुमला। तो गाइस हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर ताल के बगल में। सामान भी लेना है यार। अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट का सामान लेना है क्योंकि खुद बनाएंगे। हम लोग यहाँ रूम में रुके हुए हैं, कोई हमारे फ्रेंड है पुलिस लाइन में उनके वहाँ। तो काफी सुंदर है नैनीताल का नज़ारा और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अभी शाम को तो ना पैर रखने की जगह नहीं थी ना महाराज जी, तुमने शूट किया है थोड़ा ना, तो अभी दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और मज़ा भी आ रहा है ना। तो एक्सरसाइज करने लाए थे मुझे, एक्सरसाइज तो कुछ नहीं हो रही, फोटो शूट चल रहा है इनका। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं वापस ऊपर को। चलो मेरा जी कुछ खाते पीते हैं और कुछ ले जाते सामान लेके जाएंगे। कुछ तो हल्का फुल्का चाय वाय पी सकते हैं। क्या कर रही हैं आप? नहीं पियेंगे? देखो चाय के लिए सीधे मना कर दिया मेरे पति ने, बोले तू काली हो जाए चाय पी के। बहाने बहुत है इनके पास। तो गाइस अभी हम लोग नैनीताल में एक शॉप में है, यहाँ से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीजें खरीदी हमने, ब्रेड खरीदी है और बिस्किट खरीदे हैं, सब कुछ खरीदा। मतलब पेस्ट भी हम लाना भूल गए थे तो वो भी खरीदा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेली नीड्स के सामान आपको 5 रुपए मिल जाता है। ये अभी गिरा दिया था, वरना अंडे यहीं पे उबल जाते, उबल नहीं बिखर जाते। सब हिसाब किताब होगा यहाँ पर। हम लोग यहाँ से अभी लेके जाएंगे और फिर बनाएंगे। तो देखो तिम्मू की हाल हो गई है खराब। थक गई मैं, नीचे जाते तो ना इतना मजा आ रहा था, ऊपर तो हालत खराब हो गई। हालत खराब होगी तिम्मू की, मेरे मजाक उड़ा रहे से वीडियो फोन कर दिया। चल आ जा, जा पहुँचने वाले हैं। मैं आज तो बहुत ही खतरनाक चल लेती हूँ, मैं ट्रैक कर लेती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं एडवेंचर पार्क में। अब नैनीताल में है, हाँ नैनीताल है, और नैनीताल से जो काला डूंगी वाली रोड है उस पे है ये। नैनीताल से होगा 6-7 किलोमीटर दूर। तो ये लोग जा रहे हैं नीचे को। तो इस तरह से है ये एडवेंचर पार्क। यहाँ पे आपको एक कार वाला भी मिल जाएगा, ये जो बुल राइड होती है, और बाकी एक ये हॉर्स का पता नहीं क्या है जो भी है। और अभी तो बन ही रहा है इसके वहाँ पे ना, वो दिख रहा है आपको, बन रहा है आगे। और अंशु लोग तो अंदर पहुँच गए हैं, ये तिम्मो लोग भी चले गए हैं। चलते हैं अंदर को। सबसे हल्का सा झूला बच्चों के लिए। ट्रेन भी है जो कि 500 किलोमीटर दूर तक जाएगी। देखो ट्रैक बना हुआ है पूरा। अंशु लोग कहाँ भग गए? अच्छा अंशु लोग उधर चले गए हैं, चलते हैं उधर को। तो ये इस टाइप का है कुछ। यहाँ पे ना झरना भी आता है लेकिन अभी बरसात नहीं है तो सूख गया है गर्मी में। और ये दोनों लेडीज लोग, ये टिकट घर यहाँ इनने बनाया था लेकिन ये बंद है, तो टिकट यहाँ मिलेगी। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ भी आप आ सकते हो। सेंट भराया जा रहा है ये गाड़ी चलाने के लिए। इन लोग को तो गाड़ी चलाने आती नहीं, कैसे चलाओगे तुम लोग? है मेरा जी धक्का मार के चलाएंगे, एक पैर बाहर निकाल लेना जैसे लड़के चलाती है। अंशु बेटा कंसेंट फॉर्म भरा जा रहा है, कंसेंट फॉर्म। कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाप मैं तो कभी नहीं चला सकती इसको। जहाँ कंसेंट भरेगा वहां तो मैं कभी जाती नहीं हूँ। यहाँ पर भरा जा रहा है कंसेंट फॉर्म। तो कंट्रोल आप लोग के हाथ में, ठीक है, बेकंट्रोल मत होना। आप भी चलाओगे गाड़ी? चलानी गाड़ी बताओ भैया। हेलमेट भी पहनी जा रहा है भैया, हेलमेट। गाड़ी चलानी नहीं आती है, साइकिल भी नहीं आती है, साइकिल भी नहीं आती इनको। कुछ हुआ तो भैया देख लेना आप। तो भाई ये दोनों जा रहे हैं, जाओ मेरे शेरो आशीर्वाद तो ले लो। मेरा अंशु आशीर्वाद तो ले लो। ब्रेक है ये एक्सीलेटर, दोनों साथ में मत दबाइएगा, ठीक है? तू मत दबाना, कुछ तू मत दबाना कुछ। राइडर्स हमारे
राइडर, इनकी गाड़ी का नंबर है राइडर 1 और इनकी गाड़ी का नंबर है राइडर 6। जीतता बीतता नहीं है। आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप लोग, तो बच्चों के साथ पापा बैठे हुए हैं। कंसेंट क्यों बना तुम यार? इजी है। मैं जी को भैया ने रोक दिया था, कहा कि तुम ज्यादा शैतानी कर रहे हो तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो ये सीट है, अगर बच्चा थोड़ा सा छोटा है तब आप बैठ सकते हो, लेकिन हमारा अंशु इतना लंबा है, भले है एज में छोटा, तो फिर उसके तिमुन वाला आज मदद से है, मुझे बैठने दो, तो इसको भैया ने बैठने दिया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होता यार। हाँ ठीक है, ओके स्टार्ट। अच्छा अभी स्टार्ट करेंगे यार, अभी हूँ मत करो। अरे आगे दो, अरे यार ये लोग तो एक ही जगह पे घूमने में लगे हैं। स्टेरिंग घुमा, स्टेरिंग स्टेरिंग। हाँ ये यार, ये डॉली ने तो चला लिया, ये इनसे नहीं चल रही। अंशु एक्सेलेटर तो दे, तभी तो चलेगी। इनकी नहीं चल रही। अरे चलाओ एक्सेलेटर तो दे अंशु, अंशु अंशु एक्सेलेटर तो दे। तो यहाँ ना ये तिमुलों की गाड़ी में कुछ हो गया था प्रॉब्लम, अब चल रही है इसकी। हाँ ये ये आपस में टकराने में लगे हैं दोनों। ओड शुम, टक्कर पे टक्कर हो रही है इनकी। हाँ चलो आओ, एक्सीडेंट होने वाला है इनका। खुशुम ओहो भाई क्या टक्कर हुई यार, मजा आ गया। ये गेम एम खत्म करने के बाद देखो कृष्णा इस पे बुल पे चढ़ रहा है, जबकि ये बंद पड़ा हुआ है, बोल रहा है मैं बुल पे चढ़ के रहूंगा। हैं ये बंद है हा? दोनों के दोनों बच्चे आ गए इसमें, हद हो गया कृष्णा, तू चढ़ भी नहीं पा रहा यार ऊपर। हाँ चलो आ जाओ नीचे, वो बंद है वैसे भी। तो भाई लोगो कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आ गया, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे तुम दोनों ही हो ना यार। वी आर स्मॉल किड्स, हमको बहुत ही ज्यादा मजा आया राइड में, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि हम छोटे हैं ना अभी, बहुत ज्यादा गाड़ी चलानी आती है। मैंने भी आज गाड़ी चलाई। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत सही पार्क है, अगर आप लोग आना चाहते हैं। आज मदर्स डे है तो हम लोग ने सोचा मदर्स डे भी सेलिब्रेशन हो जाएगा और बच्चे और मदर्स के साथ हम लोग एंजॉय कर लेंगे और गाड़ी भी चलाएंगे। तो ये है सड़िया ताल, बहुत भीड़ है तो सामने देखो, ये सोच रहा पूरी रोड पे मैं ही जाऊंगा। नैनीताल से आने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं, ये है खुरपाताल। तो यहाँ पे ये देखो, ये रास्ता है वे टू लेक, यहाँ से रास्ता है, लेकिन यहाँ से तो हम पहली बार आए हैं यार, और आगे से भी एक रास्ता है तो आगे चल रहे हैं। तो ये लोग ले रहे हैं वहाँ दुकान से सामान और तिमु नाचे में लगी है, और ये है खुरपाताल का छोटा सा गांव, जहाँ की अब बड़े बड़े होटल बन गए हैं, ये सारे रिसोर्ट और होटल ही हैं, लोगों ने अपने घर को भी बना दिए हैं, आधे लोगों ने ज़मीन बेच दी है। और जो सामने दिख रहा है जे विलेज, तो वहाँ पर हमने एक बार पहले स्टे किया था, तो इसलिए हमको ये जगह पता है। जो यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे को, ये वाला, तो ये सीधे ताल पे जाता है, तो हम वहीं चलेंगे। तो गांव के बीच से होते हुए जा रहा है ये रास्ता, ये देखो कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, और हमारे दो फूल, हाँ और ये दो हमारे फूल। तो सामने देखो खुरपा ताल दिखने लग गया है, ये ताल है, और ये जा रहे हैं बच्चे लोग। और ना यहाँ का जो एक पॉइंट है वो वहाँ ऊपर से भी है, वो है ना वो मंदिर, वो मंदिर के पास से वहाँ पे लोग रुक के इसकी फोटोग्राफी करते हैं, और आधा रास्ता भी है नीचे आने के लिए। भाई तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खुरपाताल पे, ये देखो ये खुरपाताल का एक है व्यू, और ये अपनी पूरी पलटन, हमारी पलटन, ये खुरपाताल भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस,
तो पहले हमारा प्लान था कि रूसी बाईपास से जाएंगे, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कालाडुंगी से होते हुए जाएंगे, तो गाड़ी घूमेगी और हम जाएंगे कालाडुंगी से। बाय बाय। दरवाजा तो बंद कर, तभी तो गाड़ी चलेगी, दम लगा के। बाय, आओ। अरे देखो, ये हमारी वहाँ की पहाड़ी टोपी होती है, और ये पहाड़ी वाला है। तो हम लोगों ने रोक रखी है यहाँ पे अपनी गाड़ी, और अभी हम हैं यहाँ से नैनीताल से जो कालाडुंगी जाता है ना वो रास्ता, और हमने मंगोली को क्रॉस कर दिया है। और ये देखो अंशु कैसे लेटा पड़ा है, ये देखो यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। डालो डालो जितना लगा डालना है, फिर थोड़ा सा आग लगा देंगे। तो ये कुछ तूफानी करने वाले हैं, देखो सब चीज डालना है इस पे। मुझे लग रहा है अरे आग तो नहीं लगाएंगे इस पे, अरे आग नहीं लगानी है। अरे भाई ओए, ओ भाई क्या है ये, कहाँ से निकला? मम्मी मम्मी जिंदा होगी। तो ये सब इनकी वीडियो बना रहे हैं। अरे बिल्कुल मस्त जगह है। हेलो हेलो हेलो। बस चल रहे हैं यहाँ से।